मैं हूँ आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हम रमज़ान डायबिटीज़ के हवाले से तीसरा प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं आगाही के हवाले से कि आया कि जो दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं वो रोज़े के दौरान क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करें कि वो 30 रोज़े अपने मुकम्मल कर सकें, या वो मरीज़ जो रोज़ा नहीं रख सकते उनके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा ग़िज़ा के हवाले से कि वो आया कि अपनी ग़िज़ा किस तरह एडजस्ट करें, अपनी अद्वियात किस तरह एडजस्ट करें, और ख़ास तौर पे वर्जिश के हवाले से हमारा सवाल होगा कि आया कि वो रोज़े के दौरान वर्जिश कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। आज हमारे स्टूडियो में दो माहिरीन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ कौमी इदारा अमराज कल्ब से है। हम तारुफ करवाते हैं अपने मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खावर काज़मी साहब, हेड ऑफ़ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के शोबा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के इंचार्ज हैं, कौमी इदारा अमराज कल्ब से इनका ताल्लुक़ है। दूसरे मेहमान हमारे साथ डॉक्टर सुहेल ख़ान हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कौमी इदारा अमराज कल्ब से। सर खावर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं क्या वो रोज़ा रख सकते हैं, और वो मरीज़ जो रोज़ा नहीं रख सकते, जो दिल के अमराज के उनको पेचीदगियाँ हैं, काफ़ी अरसा हो गया उनको दिल के अमराज में, या बाईपास हुआ है, कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया यहाँ मौका देने का। तो पहले तो इन जनरल जैसे बात की जाती है कि जो ज़्यादातर मरीज़ हैं जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं, लार्ज मेजॉरिटी वो रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं होती। दवाइयों में के एडजस्टमेंट की ज़रूरत, कुछ वक़्त में तब्दीली की ज़रूरत हो सकती है, और उसके बारे में कुछ हम इस प्रोग्राम में भी आगाही दे देंगे, और कुछ वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके भी कर सकते हैं। इसमें जो कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अगर जैसे अभी इस एक हफ़्ता पहले हार्ट अटैक हुआ था और मेजर हार्ट अटैक हुआ था, उसमें उसके बाद अगर फौरी तौर पे रोज़ा रखते हैं, थोड़ा सा रिकवरी का टाइम चाहिए होता है हार्ट अटैक के बाद 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते। अगर बहुत मामूली कोई हार्ट अटैक था और बहुत स्टेबल सिचुएशन है तो उसमें शायद मुमकिन हो कि रोज़ा रखा जा सके। इसी तरह बाईपास सर्जरी में 4 से 6 हफ्ते का रिकवरी का एक टाइम है, जिसमें बेहतर होता है कि आप अपने जिस्म को मौका दें कि वो इस पूरे से बेहतर रिकवर कर सके, तो उसके बाद फिर रोज़ा रखा जा सकता है। एक कैटेगरी ख़ास तौर पे जो दिल के अमराज में, क्योंकि दिल के अमराज तो बहुत सारे होते हैं, तो एक ख़ास तौर पे जो दिल के अमराज में एक जो कैटेगरी है जिसमें दिल का फंक्शन जो है बहुत कमज़ोर होता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, और उसका अगर वो जो एकोकार्डियोग्राम करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि उनका हार्ट का फंक्शन जो है वो बहुत कमज़ोर है, और जिसकी वजह से उनको पेशाब और दवाइयों की बहुत मकदार में ज़रूरत होती है, और उनके ये ख़तरा होता है कि उनके फेफड़ों में पानी ना आ जाए, जिसकी वजह से ज़्यादा सांस फूलना बैठे हुए चलते हुए उस सूरत में होता है। तो अगर तो बहुत मामूली तकलीफ है, मामूली बहुत ज़्यादा चलने में मामूली सांस फूलता है, तो फिर तो शायद मुज़ायका ना हो रोज़ा रखने में। और ख़ासतौर पर अगर वो पेशाब आवर दवाई जो ले लें, जैसे डैसिक्स एक दवाई है, वो 1 गोली या आधी गोली दिन में लेते हैं, तो उसका वक़्त अफ्तार पर तब्दील करके रोज़ा मुमकिन है कि रखा जा सके। जो अगर उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बार बार डैसिक्स की ज़रूरत, दिन में 2-3 दफ़े ज़रूरत है, या सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, बैठे बैठे भी फूल रहा है, तो उसमें शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपके जिस्म में पानी की तनासुब है उसको हमें बहुत सही तरह से मेंटेन करना पड़ता है, ताकि ये लंग्स में फेफड़ों में पानी जमा ना हो। और रोज़े के दौरान ये होता है कि आप 12 घंटे या 13 घंटे जो रोज़े का वक्त है उसमें आप पानी नहीं पी रहे, और उसके बाद फिर एक कम वक़्त में 4-6 घंटे में नमक का और पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा एक ही वक़्त में इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो उनका पानी का जो एक तनासुब है जिसम में, उसमें तब्दीली आ सकती है और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसमें हम जनरली ये एडवाइस करते हैं कि जब अगर स्टेबल बहुत अच्छी सेटल हुई है सिचुएशन, तो उसमें मुमकिन है कि रोज़ा वो रख सकें अपनी दवाइयों को एडजस्टमेंट करके, लेकिन उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि अफ्तार में और उसके बाद एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिए, उसको स्प्रेड आउट करें, एक वक्त हो बड़े वक़्त में हिला के पानी का इस्तेमाल करें, और नमक के इस्तेमाल में ख़ास तौर पर एहतियात रखें। सही। सर, आप जो कि सांस फूलने का बता रहे हैं और फेफड़ों में जो है वो पानी चला जाता है, इसके हवाले से हमें बताएं, लोगों में थोड़ी सी गलत कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से, ख़ास तौर पे लोग समझते हैं। अच्छा, हमने देखा उनके पाँव भी सूज जाते हैं उन मरीज़ों के, तो इसके हवाले से हमें बताएं कि उनकी क्या अलामत होती हैं। अगर हम रोज़े को रमज़ान के हवाले से भी ना बात करें, एक जनरल हम बात करें तो क्या अलामत अगर हों तो मतलब फौरी तौर पर रुजू करें डॉक्टर से। देखिए, अगर सांस फूलने की तकलीफ हो रही है, ये तो बात यह है कि सांस फूलने की सिर्फ एक वजह नहीं है कि फेफड़े में अगर पानी है तो उसी की वजह से सांस फूल रहा है, उसकी बहुत सारी और वजूहात भी हैं। अगर मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, मेरा स्टैमिना नहीं है और मुझे चलना पड़ता है या दो मंजिल सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तो हो सकता है उसमें मेरा सांस फूल जाए। इसी तरह अगर खून की कमी है जिसम में किसी के, तो उसमें भी सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है। लेकिन जो भी सिचुएशन हो उसमें ज़ाहिर है जो तशवीश की जा सकती है कि इसमें वजह जो है वो हार्ट फेलियर, जो मैं कह रहा हाथ दिल के पटकों का कमज़ोर होना, वो वजह है या कोई और वजह है। और इसमें सांस अगर पहले नहीं फूलता था और एकदम अब नई चीज़ आई, यानी पहले आपको बैठे बैठे सांस नहीं फूल रहा था या आप एक मंजिल सीढ़ी आसानी से चल जाते थे, अब सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो रहा है, उसमें सांस फूलता है, तो इस सूरत हाल में डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। उसकी वजह जाननी चाहिए, उसकी वजह दिल के मर्ज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जब आप दिल पूरी तरह से काम नहीं करता तो उसका जो प्रेशर पीछे आता है तो लंग्स में, फेफड़ों में पानी आता है। उसी तरह जब राइट साइड का हार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसका प्रेशर पीछे जाता है, तो वो लीवर में भी यानी जिगर में भी सूजन आती है और पाँव में भी सूजन आती है। लेकिन ये सिर्फ वजह एक ही नहीं है पाँव सूजने की, यानी बहुत सारे औकात में पाँव में सूजन की सिर्फ ये वजह हो सकती है कि मैं बहुत ज़्यादा देर पाँव लटका के बैठता हूँ, तो उसकी वजह से एक जो इफेक्ट होता है ग्रेविटी का, ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन ये एक पॉसिबल वजह है। तो मैं फिर दोबारा ये कहता हूँ कि अगर पाँव में स्वेलिंग है तो ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि आपके हार्ट दिल का मर्ज है या गोदे का मसला है, लेकिन उसकी तशखीस करवा लेनी चाहिए डॉक्टर से। सही। सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ डॉक्टर सुहेल, हमें ये बताएं कि अगर हम बात करें डायबिटीज़ के मरीज़ों की, क्योंकि वो डायबिटीज़ का भी शिकार है और दिल के अमराज का भी शिकार है, और ख़ास तौर पर हाइपरटेंसिव पेशेंट की भी अगर हम बात करें, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो किस तरह अपना रोज़ा रखेंगे? क्या डायबिटीज़ के मरीज़ों को क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए, और जो बुलंद फिशारे खून जो जिनको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं उनको क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी चाहिए रोज़े के दौरान? बहुत शुक्रिया शाहीन यहाँ पे बुलाने का। रमज़ान एक बरकतों का और रहमतों का महीना है, और जिस तरह हम इसमें डिफरेंट इबादत करते हैं अपनी रूह के लिए, नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, तरावी हो गई, इसी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना ये भी एक उसकी जो है इबादत की एक फॉर्म है। तो काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि जो बेसिकली रोज़े का कॉन्सेप्ट ये है कि फ़र्ज़ उस वक्त होता है जब आप सेहतमंद हो, जब आपकी सेहत अच्छी ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें रखना है रोज़ा रखना। अब इस तरह जैसे आपने बात की, हार्ट डिज़ीज़ की बात की और डॉक्टर खावर काज़मी ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ हो इसका और अगर आप स्टेबल हो, यानी आपके फेफड़ों में पानी ना हो, चेस्ट पेन नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह जैसे आपने बात की डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में भी लोग रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन जो उसकी दवाइयों का जो उन दवाइयाँ लेने का जो टाइमिंग होती है और इंसुलिन लगाने की जो होती है टाइमिंग होती है, उसमें थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है, और जो आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं उनके साथ आप कंसल्ट करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो और आप बिल्कुल सेहतमंद हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसमें भी आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह आप हाइपरटेंशन पे आ गए, जो अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है दवाइयों से, तो आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। तो जो पॉइंट ये है कि आप सेहतमंद हों तो आप कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं, हज कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिस तरह और भी इबादत है, अपनी सेहत का ख्याल रखना ये भी एक इबादत है। सही। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी अगेन, मैं ये डायबिटीज़ के वाले से क्वेश्चन करूँगी कि डायबिटीज़ के मरीज़ अगर दिल के अमराज में भी मुब्तला हैं तो उनके लिए रोज़े में ख़ास तौर पे क्या एहतियात है, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो डायबिटिक भी हैं और उनको दिल के अमराज भी हैं, तो वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, और कौन से मरीज़ नहीं रख सकते? देखिए, इसमें सही आपका सही, लेकिन दोनों चीज़ें आपको अलग-अलग भी देख सकते हैं और मिला के वो पॉइंट वही है जैसे आपने कहा कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है और इंसुलिन की दिन में दफे लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे शख्स चाहे उनके दिल का मर्ज़ हो वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन दिल के मर्ज़ की अपनी जगह साथ वही चीज़ आ रही थी जो हमने पहले बताई। एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ उसमें, क्योंकि हम ये अक्सर देखते हैं बहुत सारे औकात में रोज़ा यानी 12 घंटे का ना खाना पीना रोज़ा रखना शायद इतना हेल्थ के हिसाब से मसला नहीं करता। ये सिर्फ दिल के मरीज़ों में या डायबिटीज़ के या हाइपरटेंशन के मरीज़ों में नहीं, इवन आम लोगों में होता। हमने ये देखते हैं, बार बार देखते हैं कि इवन जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं वो अपनी सेहत को ख़राब करते हैं, वज़न बढ़ा लेते हैं रमज़ान में, इसलिए कि ज़्यादा नुकसानदेह हमारी जो आदत हैं, चीज़ें हैं जो हम करते हैं वो अफ्तार और सहरी के वक़्त होती हैं, अफ्तार पे ख़ास तौर पे। तो ऐसे मरीज़ों में जो ख़ास तौर पे आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, मैंने पहले आपके पानी के तनासब के बारे में और नमक के बारे में जिक्र किया, उसी तरह डायबिटीज़ में अगर आपने 12 घंटे रोज़ा नहीं रखा तो शुगर कम होने का ख़तरा है, जिसके लिए आपने सुबह में अपनी शुगर की दवाइयों को सिग्निफिकेंटली जनरली कम कर देते हैं या इंसुलिन है तो कम कर देते हैं। लेकिन अब अगर आप एक ही वक्त में सडनली बहुत सारी मिक़दार में ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें मिठास भी है, जिसमें चिकनाई भी है, तो वो आपके शुगर के लेवल को एकदम इतना बढ़ा देगी कि वो आपको उल्टा नुकसान करती है। सही। तो ज़्यादा नुकसान हमने देखा है कि अफ्तार में हमारी जो एक रवायत बन गई, कुछ चीज़ें हैं जो रवायत का इतना हिस्सा हो गई है कि हम समझते हैं कि शायद इसके बगैर रोज़ा खुल ही नहीं सकता, मुकम्मल नहीं है जी। तो वो चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, रवायत की वजह से हम अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो जितना ये अहम चीज़ समझना है कि आप रोज़े में आपको दवाइयों में कैसे तब्दीली करनी है, ये भी समझना ज़रूरी है कि आपको अफ्तार में किन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है। ये इसलिए अहम है कि अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा महीना माह रमज़ान का मुकम्मल करें रोज़े के साथ, तो अगर आप एक दिन की अफ्तार में अपने आप को ऐसी पोजीशन में पहुँचा देंगे कि फिर आपको एक हफ़्ता उसकी वजह से सफ़र करना पड़े, तो उससे बेहतर है कि मियाना रवी इख्तियार कीजिए। तो ये बहुत रोज़े का सबक भी है। रोज़ा क्या सबक आपको देता है, वो तो बेसिकली सबक ही ये है कि आप सब्र किस तरह करते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें आपके सामने आप हाथ कैसे रोक लेते हैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। तो यही वाली चीज़ जो है वो हमें रोज़ा खोलने के बाद भी अफ्तार के वक्त भी होना चाहिए, आप कि किस तरह हम अपने आप को दूसरे से दरगुजर करना, अपने आप को किस तरह अपने नफ्स को कंट्रोल करना, यही तो रोज़ा सिखाने के लिए है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, सर ने बहुत अच्छी बात की है। अब यूएस में एक ट्रेंड बन गया, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी जो लोग बिल्कुल सेहतमंद हैं। लेकिन आजकल ये ट्रेंड बनना हुआ है और इस पर एक ठीक ठाक वो भी हो चुकी है, रिसर्च भी हो चुकी है कि अगर आप दिन में 12 से 16 घंटे कुछ ना खाएं और उसके बाद खाएं, आपकी सेहत इम्प्रूव होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव होगा, आपका शुगर इम्प्रूव होगा। यानी जो बातें हमें इस्लाम ने 1400 साल पहले की थी कि फास्टिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सेहत के लिए, वह भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। यानी जो डॉक्टर रमज़ान के अलावा जो वहाँ पे यूएस में जो डॉक्टर हैं वो अभी कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन वो सर की बात है कि इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप 16 घंटे मतलब वो करें, मतलब वो कर फास्टिंग करें, बाकी 8 घंटों में पकौड़े भी खाएँ, समोसे भी खाएँ और इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें खाएँ, उसका उल्टा नुकसान होता है आपको। सही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि हम डायबिटीज़ के मरीज़ों की भी बात करें और दिल के अमराज में मुब्तला, और ख़ास तौर पर उन मरीज़ों की भी हम बात करें जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है। सहरी के वक्त क्या ग़िज़ा होनी चाहिए, किस तरह का अतदाल होना चाहिए, ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ों की ग़िज़ा के हवाले से जो फेनी हम खा रहे होते हैं वो ज़्यादातर डीप फ्राई होती है, और अफ्तार की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सहरी को थोड़ा सा बताएँ। और ख़ास तौर पर लोग कहते हैं कौरमा होना चाहिए और मुरगन ग़ज़ाएँ मतलब होनी चाहिए, पराठा लाजमी होना चाहिए क्योंकि 14 घंटे 15 घंटे भूखे रहना है तो पराठा ज़्यादा से ज़्यादा देर में हज़म होता है। सर इसके हवाले से हमें बताएं कि कितनी सादा ग़ज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए सहरी में? पहले तो मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू यानी डायबिटीज़ के, अगर आप डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यकीनन शुगर का, चीनी का इस्तेमाल जो है उन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनमें भी चीनी का इस्तेमाल तो जनरली हम सबको मना करते हैं कि जो आप हम कहते हैं ये वाइट जो पॉइज़न है उनमें से चीनी का शायद नुकसान पूरी दुनिया में जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा हुआ है। तो चीनी जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम कोशिश करते हैं कि कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। चीनी जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की सबसे बुरी मिसाल है, एक्सट्रीम मिसाल है। तो आप चीनी में मैं सिर्फ वाइट शुगर की बात नहीं कर, ब्राउन शुगर की भी बात करूँ कि दोनों में सिर्फ रंग का ही फ़र्क है और कोई उसमें फ़र्क नहीं है उसके नुकसान के हिसाब से। तो इसी शक्कर या चीनी उनके इस्तेमाल में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, यानी जैसे आप मैदे वाली चीज़ों के बजाय पराठे की आपने बात की देर से हज़म हो, तो देर से क्या चीज़ हज़म होती है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें से आपने छान वगैरह निकाला नहीं हो। तो जैसे आप गंदम का इस्तेमाल करें वो वाली गंदम हो जो छनी हुई नहीं हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसको लाल आटा कहते हैं या चक्की का आटा कहते हैं एक्चुअली। तो चक्की के आटे में भी बहुत ज़्यादा सफाई यहाँ पे होती है। उसमें अगर आप वो और सीरियल वो शामिल कर लेते हैं, आपके जितने सीरियल हैं वो सेहत के लिए अच्छे हैं ऐसे नहीं है, लेकिन गंदम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा खराब है, यानी उसमें आपके लिए सेहत के हिसाब से सबसे ज़्यादा नुकसान है गंदम में। जौ और बाजरा उससे कहीं दर्जे बेहतर है। तो आप गंदम के आटे में जौ का आटा मिक्स कर सकते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। इससे आपका वो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा वो आपका आपको ज़्यादा एनर्जी भी देगा, प्रोटीन भी देगा और वो पेट भी आपका भरा रहेगा। एक जनरल हमारा जो मुश्किल होता है कि अंडा आप खा सकते हैं जर्दी समेत, बहुत सारे ये कहते हैं इवन हार्ट के पेशेंट जो डायबिटीज़ के दिन में एक अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एनर्जी अंडा जो है वो एक एनर्जी पैक है। अल्लाह ताला ने अंडा क्यों बनाया? अंडे में से बच्चे ने पैदा होना और उसमें बच्चे की ग्रोथ के लिए एक पूरा एनर्जी का सिस्टम है। तो आपको एक एनर्जी पैक इस्तेमाल करें और उसके बाद वो सारा दिन, यानी आप जैसे मैं ये कहता हूँ गाड़ी में आप बेहतरीन पेट्रोल डाल दें और उसके बाद उसे स्टार्ट नहीं करें तो कितना चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक उस फ्यूल को जलाएंगे नहीं वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। तो आप अंडा खा सकते हैं लेकिन उसे इस्तेमाल तो करें, तो इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसमें से ताकत आएगी, उसमें फ़ायदा आएगा। तो मेरा इसमें फल है, सब्ज़ी है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें फाइबर भी है जो कॉन्स्टिपेशन का अक्सर आता है लोग, क्योंकि सारी हमारी खुराक जो है वो एक बड़ी रिफाइंड चीज़ें हो जाती हैं, यानी उसमें से हर चीज़ जो है वो फाइबर पर निकाल देते हैं और चिकनाई का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। चिकनाई के इस्तेमाल में तेल में रिकमेंडेशन ये है 1 लीटर तेल एक शख्स के लिए 1 महीने के लिए। तो मेरा मशवरा ये है कि रमज़ान के महीने में अगर आपके घर में 4 लोग हैं 4 लीटर आप तेल ले आएँ और इसमें आप पूरा महीना इस्तेमाल करें। आप पकौड़ा बनाना चाहते हैं बना लें, एक दिन में वो 1 लीटर ख़त्म हो जाएगा, बाकी महीने में उबला हुआ खाना पड़ेगा आपको। लेकिन आपका 1 लीटर 1 महीने के लिए, ये जनरल प्रिंसिपल है, रमज़ान में भी वही चीज़ लागू होती है। सही, जैसे अगर हम हकीम सईद की मिसाल ले लें तो वो सुबह फजर की नमाज से पहले नाश्ता किया करते थे और वो मगरिब की अजान होते ही वो खाना खाते थे, मतलब उनका ये रूटीन था। और उनकी उम्र माशाल्लाह 80 साल थी और वो बहुत एक्टिव थे और ना ही उनको कभी डायबिटीज़ हुई, ना ही उनको कभी हाई ब्लड प्रेशर हुआ, ना उनका कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, बहुत एक्टिव थे, मोर एक्टिव, और ना ही ओबेसिटी का वो शिकार हुए। आज तो हम देखें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है इस वाले से। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर सुहेल, मुझे ये बताएं कि डायबिटीज़ के मरीज़ और दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़, हाँ, अगर हम अफ्तार की बात कर लें तो अफ्तार जैसे डॉक्टर खावर ने भी बताया कि अफ्तार हमारे ये होता है कि पकौड़े मस्ट हैं, आपके समोसे होने चाहिए, जितना ज़्यादा दस्तरखान वसी होगा उतना ही रोज़ा अच्छा खुलेगा। तो क्या एहतियात करनी चाहिए दिल के अमराज मुब्तला मरीजों को कि वो क्या खाएं और किस तरह की अपनी ग़ज़ा लें कि उनका कोलेस्ट्रॉल मज़ीद ना बढ़े और उनको पेचीदगियाँ ना हो, पूरे रोज़े वो रख लें। शाइन, छोटा मुँह और बड़ी बात अब्दुल हकीम उनकी आपने बात की, हकीम साहब की, हकीम सईद साहब की। और ये ना कि इंसान, अगर मैं किसी को एडवाइस करता हूँ आई हैव टू फॉलो दैट, मुझे ख़ुद उस पर अमल करना चाहिए। तो मैं ख़ुद सुबह जब उठता हूँ तो ओट मील जिसमें काफ़ी छिलका होता है, फाइबर्स होते हैं, उसमें बादाम और अखरोट मिला के खाता हूँ और चाय में चीनी ले लेता हूँ। क्योंकि जब मैं, अगर आप जाते हैं मरीज़ को अच्छी अच्छी एडवाइसेस करते हैं तो आप उसको फॉलो भी करना चाहिए आपको। और इनकी बात बड़ी अच्छी है कि आप वो डाइट लें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि फ़ाइबर्स ये एक तो आपका वो कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आपकी भूख कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके फिर आपकी जो वो क्रेविंग होती है कि जंक फूड खाने की, तो वो भी कम हो जाती है। बाकी जो आपका सवाल था कि अफ्तारी पे, कि अगर आप ख़ुद सोचें 12-14 घंटे आपने कुछ नहीं खाया हो ना, तो आपको इतनी भूख लगी होती है ना कि आप चाहते हैं कि दस्तरखान पे कोई 5-6 डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनी हुई हों। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अफ्तार का ये मतलब नहीं है, रोज़े का मकसद ये है कि आप थोड़ा पेशेंस सीखें, सेक्रीफाइस सीखें, कुर्बानी सीखें, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं आपने 12-14 घंटे रोज़े रख लिए और आपके उस पर जो है दस्तरखान पर 12 किस्म की चीज़ें पड़ी हों और आपके उसमें हमसाए में लोग ऐसे हों जो मतलब भूखे हों। तो आप इसको, पहली बात है इसको बड़ा वो रखें, सिंपल रखें अफ्तारी को। और अफ्तार में आप ये जो रोगनी चीज़ें होती है, क्रेविंग ज़्यादा होती है, ज़ारी बात है, उनसे आप बिल्कुल इज्तनाब करें। जो कि ओवरऑल आप अपनी ज़िंदगी में जो सेहतमंद चीज़ें खाते हैं, जिस तरह डॉक्टर काज़मी ने बात की, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, और अगर खाना बनाते भी हैं बड़ा सिंपल सी बनाएं, उसमें रोगनी चीज़ें ना खाएं उसमें। तो आप वही चीज़ें जो आप रूटीन में करनी चाहिए वही आप उसमें भी करें अफ्तारी में। इसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिंपल रखें और जो सेहतमंद चीज़ें हैं, जैसे बात हुई हमारी फ्रूट्स, वेजिटेबल या कम घी वाली ग़िज़ाएँ, या इस तरह की जो आपकी रोटी हो वो बद गद्दम के बजाय अगर जौ की हो या फिर जो है चक्की का आटा हो, वही चीज़ें आप उसमें भी खा लें। सही। सर, खजूर के हवाले से मुझे बताएं, लोगों के जहनों में खजूर के हवाले से बड़ा सवाल होता है कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ रोज़ा खजूर से खोल सकते हैं नहीं, दिल के मरीज़ों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है खजूर, और फलों के बारे में हमें बताएं कि कौन से फल इस्तेमाल कर लेने चाहिए। पहली बात ये है कि खजूर भी एक फल है और खजूर की कुछ एसोसिएशन जो है, और वो कुछ हमारी जज्बाती भी हो गई उसकी एसोसिएशन, क्योंकि वहाँ सऊदी अरब में जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो वहाँ खजूर का एक नेचुरल था फल, सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है वो खजूर ही था। तो ज़ाहिर है और उनकी तरफ से है कि उनको एक खास किस्म की खजूर पसंद भी थी। तो खजूर के साथ रोज़ा खोलने में कोई कबाहत नहीं है। रोज़ा खोलना खजूर से और रोज़ खजूर खाना दो अलग चीज़ है। रोज़ा खोलने के लिए मुझे कितनी खजूर चाहिए, एक या आधी खजूर, तो एक या आधी खजूर खाने में किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। खजूर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए अल्लाह ताला ने हर इलाके की हालात के हिसाब से, मौसम के हिसाब से फल पैदा किए। अब तो खैर हर जगह और दूसरी चीज़ें होंगी। अब वहाँ पर गर्मी बहुत थी और चीज़ें अवेलेबल खुराक नहीं थी, तो खजूर में वो सब चीज़ें हैं। आप पानी के साथ कहें कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स, आपकी जो नमकियात इस सब में कम होती है, आपको जो एनर्जी की ज़रूरत होती है जब आप सैलाब में सफ़र कर रहे हैं, तो वो खजूर से पूरी हो जाती है। अब हम खजूर को तो वहाँ से हमने ले लिया कि खजूर जो है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन जितना उनका उस वक़्त पैदल चलना और सब एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में हमारे घर कोई तवज्जो नहीं है। और ये तवज्जो भी नहीं है कि जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उनके भी जब अफ्तार के वक़्त कितनी खुराक होती थी। जो आपने वसी दस्तरखान की बात की, जो हमारी ख्वाहिश होती है, मुझे याद पड़ता है कि एक मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बताया कि वो एक दफ़े बोले थे तो कि अपनी बेटी के घर, तो उन्होंने सामने 2-3 चीज़ें रखी, तो उन्होंने कहा कि कभी तुमने देखा है कि मैंने एक से ज़्यादा चीज़ से अफ्तार किया? तो उन्होंने दूध थी और खजूर थी हटा दिया और सिर्फ नमक से अफ्तार कर। तो ये भी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए उसी तरह से, और उनमें कोशिश करनी चाहिए हमें अमल करने की, कितनी हम सादगी रखेंगे वो हमारी सेहत के लिए मुफीद। तो जहाँ तक खजूर का ताल्लुक है, खजूर में मुझको मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कहें कि जी 8-10 खजूर भी आपने खाई, फिर खजूर का मिल्क शेक भी बना के पिया, तो फिर ये वही आप इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है जो आप सेक्रीफाइस कहते हैं कि आप मिल बांट के लोगों को दें। रमज़ान का महीना जब और लोगों को जिनके पास नहीं है उनको आप शेयर करें, शेयर करके मिलजुल के करने में तो आप जो ये 1 खजूर खुद खाएं और 10 खजूर किसी और को अगर वो पेश कर देंगे तो अल्लाह ताला की खुशनूदी ज़्यादा हासिल होगी इंशाल्लाह। सही सर, एक कॉन्सेप्ट ये है कि लोग कहते हैं कि उन्होंने पकौड़े बनाए और टिश्यू पेपर से उसको साफ कर लिया है, कहा कि ऑयल इसका कम हो गया। दूसरा लोगों के जहन में यह है कि फ्रूट का ताज़ा जूस निकाल लिया, वो पी लिया, फ्रूट नहीं खाया। तो हमें बताएं कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो गया जो हमने टिश्यू पेपर से साफ किया? वो मैं इस तरह मिसाल देता हूँ कि अगर आप यही समझें कि एक आप प्लास्टिक की बोतल लें, उसके अंदर मोबाइल डालें, कुछ मोबाइल बाहर गिर गया, वो आप टिश्यू से साफ कर लें, आप कहेंगे अब इसमें मोबाइल नहीं है इस बोतल में। तो वो जो खजूर आप पकौड़ा है वो उसने जितना अंदर पी लिया था ऑयल वो तो सब अंदर ही है, अपने बाहर से थोड़ा सा उसको कर लिया। तो हमें सतही चीज़ों के बजाय असली हकीकत जाननी चाहिए उसके बजाय। तो एक तो ये कि पकौड़े में से टिश्यू पे रखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उसमें ऑयल में हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। नंबर 2 जो दूसरा आपने फल के जूस के बारे में जिक्र किया था, मैं सब ये कहता हूँ देखिए अगर फल का जूस इतनी अच्छी चीज़ है तो अल्लाह ताला को कोई मुश्किल थी कि दरख्तों में फल जूस के डिब्बे ही लटके होते हैं, फल क्यों होते? तो फल में यकीनन कोई बेहतर चीज़ है और वो बेहतर चीज़ वो फाइबर है जिसको हम फेंक देते हैं जब आप जूस निकालते हैं। तो फल खाना ज़्यादा बेहतर है। ये ज़रूर देखें उस वक्त जो हकीकत है अफ्तार के वक्त प्यास लगी होती है और आपको कुछ लिक्विड चाहिए होता है, तो आप थोड़ी मिकदार में अगर जूस लेना चाहें और उसको चाहे आप डाइल्यूट कर लें, आप थोड़ा सा और कोई लेमन स्कंजबीन बहुत अच्छा है, उसमें चीनी डालना वो आपके इख्तियार में है कि आप ना डालें, बहुत अच्छी बात है अगर ना डालें, या डालें तो बहुत कम डालें, इतना डालें वो आप इस्तेमाल करें। इस तरह की लिक्विड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो दिल के अमराज में होता है या हार्ट फेलियर जैसे हमने पहले जिक्र किया, वो पानी का तनासुब का ख्याल रखें। तो आप थोड़ी मिकदार में शायद जूस ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा मिकदार में फल का इस्तेमाल करें, इट्सेल्फ इस्तेमाल करें फल का। अब फल में भी हम फ्रूट चाट, हम चीज़ों को ख़राब करने की हमारी महारत हो गई। आप फ्रूट चाट बनाएंगे, फ्रूट कट कट के ऊपर साथ चीनी डाल दें। और दूसरा में एक जो चीज़ था तो ये जो डिब्बे में आपको सो कॉल्ड फ्रूट जूसेस हैं, आप लेबल पढ़ के देख लें। मैं किसी एक का नाम नहीं, हर लेबल में किसी में 10% से ज़्यादा एक्चुअली फल नहीं है, ज़्यादातर में 2 से 4% फल है। ये फ्लेवर्ड ड्रिंक हैं, ये जूसेस नहीं है। सही, तो इसके एहतियात रखनी चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सही सर, पानी की मकदार के हवाले से हमें बताएं कि पानी की मकदार कितनी होनी चाहिए ख़ास तौर पे दिल के मरीज़ों के लिए, मतलब वो क्वान्टिटी अपनी सहरी में कितनी पूरी करें और अफ्तार के बाद ज़्यादा टाइम उनके पास है, उन्हें तरावी के लिए भी जाना है, तो पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? देखिए जनरली जो एक आम आदमी के लिए जिसको कोई गुर्दे का मसला नहीं है या जिनमें कोई दिल हार्ट फेलियर वाला मसला नहीं है, तो वो तो हम उनमें ये कहते हैं कि आप 10-12 गिलास पानी इस्तेमाल करें। तो आप दिन में नहीं पी रहे तो इस अवकात में पीते हैं। लेकिन हार्ट फेलियर के पेशेंट में या जिनमें गुर्दे पूरा काम नहीं करे तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है। उनमें हम मशवरा जनरली उनको ये कहते हैं कि आप 1200 सीसी यानी 4-5 गिलास से ज़्यादा पानी दिन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। 6 गिलास गर्मियाँ हैं तो 6 गिलास आम तौर पर अंदाज़ा इस वक्त में, तो उनको ये पानी फिर वो अफ्तार से सहरी के दरमियान में पीना चाहिए, लेकिन एक ही दफ़े में फ़ौरन नहीं पिए। ये एक बहुत अहम खुराक में भी जो हमारे मज़हब में भी ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता खाएँ। क्यों आहिस्ता आहिस्ता खाएँ? इसलिए कि फिर आप कम खा के आपको इत्मीनान हो जाता है। जब आप तेज़ी से खाते हैं, क्योंकि इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट ये है कि ह्यूमन बींग्स में आपके स्टमक फिल होने में और आपके ब्रेन में जो सिटाइटी सेंटर है जो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि आप बस आपका पेट भर गया, उसमें 20 मिनट का गैप है। अब उस 20 मिनट में हम इतना खा लेते हैं कि उसके बाद फिर हम ढूंढते हैं कि कोई हम खाने की चीज़ ढूंढे ताकि वो पेट बहुत भर जाता है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे तो आपको ये वक्फा मिल जाता है। तो इसलिए मैं पानी में भी ये मशवरा देता हूँ कि आप थोड़ा पानी पिए, वक्फा दें, उसके बाद थोड़ा और पिए ताकि कम पानी में आपका इत्मीनान जो है वो पूरा हो जाए, ख्वाहिश पूरी हो जाए। और इसमें जो इस्लाम एक और जो दीन है, अगर वो हम करें बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़ी सी खजूर से थोड़ा पानी से अफ्तार किया, नमाज के लिए चले, आपने नमाज पढ़ी, आपको एक वक्फा मिल गया, उसके बाद फिर आपने थोड़ी मिकदार में खाया। और ये ख्याल रखें कि अब आपको फिर नमाज के लिए जाना है, तरावी के लिए जाना है और उसमें पेट बहुत भरा होगा तो अपने आप के लिए भी मुश्किल होगी और दूसरे लोगों का भी नुकसान करेंगे जो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है साफ खड़े रहना। तो आपका तो इस तरह आपने उसके बाद आके कुछ थोड़ा सा और आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपने उसी खुराक को 3 हिस्सों में तकसीम कर दी। बजाय इसके कि 3 दफ़े आप पेट भर भर के खाएं, तो इस तरह से म्याना रवी में बेहतरी हो सकती है सेहत के हिसाब से भी और जाहिर है बाकी उस लिहाज से भी। सही। सर हमें ये बताएं कि तरावी के बाद जैसे लोग, डॉक्टर सुहेल आपसे सवाल है कि तरावी के बाद लोग अमूमन खाना खाते हैं और फिर फ़ौरन शायद वो सो भी जाते हैं और वॉक वगैरह भी नहीं करते, तो क्या बेहतर ये है कि वो रोज़ा खोलते वक्त खाना खा लें या बाकी तरावी के बाद या तरावी से पहले बेहतर है खाना, ख़ास तौर पे दिल के मरीजों के लिए, क्योंकि अगर उनका प्रेशर ज़्यादा डेवलप होता है तो तरावी में भी उनको प्रॉब्लम होगी? तो सबसे बेहतरीन ये है कि जिस वक्त आप करें अफ्तारी करें वो बड़ी लाइट करें और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ के लिए आप जाएं तकरीबन 15-20 मिनट आधा घंटा। जिस तरह डॉक्टर काज़मी ने बात की कि जब वो आपको 20 मिनट मिल जाते हैं तो पेट आपका थोड़ा बहुत बढ़ जाता है और आपका दिमाग भी सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती। लेकिन यह है कि मैं कहता हूँ कि आप जो खाना है वो तरावी से पहले खा लें और उसके बाद तरावी के लिए जाए, क्योंकि तरावी भी कोई 50 मिनट 1 घंटे का प्रोसेस है। अगर आपने जो भी खाया है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वो खुराक हज़म करने के लिए। मैं ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप खाना खाएं और उसके बाद फ़ौरन सो जाएं। उससे ये होता है कि जो जिन लोगों को बदहज़मी का पहले से मसला हो या जिनको ना भी हो उसमें इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप एकदम खाते हैं सोते हैं तो आपको जो सारा खाना पड़ा होता है स्टमक में वो वापस मुंह की तरफ आ जाता है जिसको हम गर्ड कहते हैं, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मैं कभी नहीं करूँगा रेकमेंड। अगर आप खाते भी हैं नमाज के बाद तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा वक्फ़ा दें या खाने के बाद थोड़ा आधा घंटा आपने चल लिया तब जाके आपने सोना है, खाने के फ़ौरन बाद आपने नहीं सोना। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन ये है कि आप लाइट अफ्तारी करें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद खाना खाएं, उसके बाद घंटे के बाद आप चले गए अफ्तारी उसके लिए तरावी के लिए और तरावी के बाद आपने आके सो लिया। ये सबसे अच्छी रूटीन है। सही। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर। अपने माहिरीन की तरफ जाते हैं, बाकी सवालात लेते हैं। सर मुझे ये बताएं कि अमूमन लोग सुबह के वक्त वॉक करते हैं, फजर की नमाज के बाद या नाश्ते से पहले वॉक करते हैं, क्योंकि हम सहरी लिए हुए होते हैं, तो क्या कौन से ऐसे मरीज़ हैं कि वो वॉक कर सकते हैं आसानी, और ज़ैबतीस और अगर दिल के अमराज दोनों में मुब्तला हैं तो उनके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए, क्या वो वॉक करें या नहीं करें, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? कि 2 औकात या 3 औकात हैं जिसमें आप मुमकिन तौर पर अपनी एक्सरसाइज करते हुए जरूर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहनी चाहिए। सुबह जो सहरी के बाद जनरली हम ये कहते हैं कि जो मरीज़ दिल के मर्ज में मुब्तला है वो अगर भरे पेट में फौरी तौर पे ज़्यादा वर्जिश या चलना फिरना बहुत ज़्यादा नहीं करें, कम थोड़ा बहुत चलने फिरने कोई कबाहत नहीं, लेकिन ज़्यादा चलने फिरने से एहतियात करें। कोई ब्रेक इंतज़ार करें 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वो चल सकते हैं। तो अगर सहरी जो है आपने बहुत हैवी तो नहीं करनी चाहिए, दरमियानी आपने सहरी की है और आप फिर उसके बाद नमाज के लिए चले जाते हैं, तो नमाज के बाद आने के बाद कुछ वक्फा दे के आप तकरीबन 1 घंटे वॉक कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि सुबह वॉक करने में फिर उनको बाद में मुश्किल पेश आती है, तो अगर उस सूरत में अफ्तार से पहले वॉक करने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ख़ासतौर पर जो ज़्यादा के मरीज़ हैं, उनको एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त उनका खाने में इतना वक्फा हो गया होता है कि उसमें शुगर का लेवल उनका कम होता है। उस वक्त जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर मज़ीद कम होने का खतरा होता है, तो उनको इसमें और एहतियात करने की ज़रूरत होती है। और अगर वो मुमकिन है तो ये भी कर सकते हैं कि एक आध दफ़े अपनी शुगर लेवल चेक करके देखते हैं, अगर वो ऑलरेडी पहले एक वक्त कम है तो फिर उस वक्त अफ्तार से और पहले वॉक भी करें। जो लोग अदरवाइज दिल के अमराज ऐसे हैं कि वो स्टेबल हैं, सेटल्ड हैं, तो वो उस वक्त वॉक कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं वो तो बहुत सारे लोग जो है अफ्तार से पहले जिम भी जाते हैं और गेम भी खेलते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफ्तार के फ़ौरन बाद जैसे फिर अपने जैसे होता है और तो और अपने नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर दोबारा खाया, तो फिर तरावीहों के वक़्त तक इतना वक्फा हो जाता है कि आप तरावीह के बाद वॉक कर सकते हैं। उसमें आप अपने हिसाब से ये आप चीज़ देख लीजिए कि आप पहले से कितनी वॉक करते थे, कितना आपका स्टेमिना था, उसी हिसाब से आप वॉक कर सकते हैं। उस वक्त तक मौसम भी बेहतर हो जाता है तो उस वक्त तक ये वॉक कर सकते हैं। लेकिन सर तरावी की अगर हम बात करें तो 20 रकात तरावी की होती है, अगर क्या ये एक अच्छी वर्जिश नहीं है तरावी अगर प्रॉपर अगर वो करें तो? देखिए उसमें तरावी एक्टिविटी तो एक है, लेकिन वर्जिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई बहुत अच्छी वर्जिश नहीं है, क्योंकि आप खड़े होते हैं और वहीं उठना बैठना थोड़ा होता है, तो ये तो ना कुछ होने के से तो बेहतर है फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से। मैं कह रहा हूँ, मैं उसकी जो मजहबी तो उस हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन आप कुछ सस्टेन्ड एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप कहते हैं कि कोई 20 मिनट या आधा घंटा की आप वॉक करें, बहुत तेज़ ना भी हो, तो वो आप फिर उसके बाद कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं क्योंकि तरावीह तो बाजमात होती है, अब तो खैर हर महल्ले में, हर सड़क पर, हर घर में तरावीह का इंतज़ाम होता है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कुछ देर दूर जा सकते हैं और फिर वहाँ से वापस आएंगे मस्जिद में तरावीह के साथ, तो वो भी एक आपकी थोड़ी सी वॉक हो जाती है। सही सर। अच्छा मुझे बताएं कौन से लोग हैं जो मतलब एहतियात करें ख़ास तौर पे वर्जिश के लिए, जो जिनकी सांस फूलती है, वो एक तो आपने डायबिटीज़ का बताया कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो रोज़े की हालत में ना करें वर्जिश, क्योंकि उनका शुगर लेवल कम होने का ख़तरा है। कितना शुगर लेवल होना चाहिए सर रोज़े के 2 घंटे के बाद अगर वो टेस्ट कर रहे हैं तो सेफ साइड कितना होना चाहिए? और अगर उनको डायबिटिक पेशेंट को कोई अलामत हो रही है, जैसे उनको पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और अचानक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, तो क्या अलामत हो सकती हैं वो मरीज़ जो डायबिटिक भी हैं और दिल के अमराज में भी मुब्तला हैं? देखिए अगर जो एक ड्रामेटिक इवेंट होता है शुगर के मरीज़ों में जो अनडिज़ायरेबल जो नहीं होना चाहिए, वो शुगर का लो हो जाना, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और ये नुकसानदेह भी होता है। और ख़ास तौर पे दिल के मरीज़ों में ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है कि वो शुगर कम होने से कम जिसम में इतनी तब्दीली आती है कि बाद दिल के अमराज जो है वो ज़्यादा एकदम बढ़ जाए, हार्ट अटैक भी उस वक्त हो सकता है या दिल को नुकसान हो सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया से या लो शुगर होने से बचने की ज़रूरत है। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा था कि आमतौर पे सहरी के वक्त जो सुबह की दवाई है उसको सिग्निफिकेंटली कम कर दिया जाता है। जो स्टेबल पेशेंट होते हैं यानी उनकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल थी, उनमें भी ये मशवरा आमतौर पे देते हैं कि आमतौर पे जनरल लोगों में जो नाश्ते से पहले की शुगर की या सुबह की शुगर की दवाइयों की मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है और रात के लिए कम होती है ज़्यादातर लोगों में। तो रमज़ान में जनरली ये होता है कि उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी जो आपकी रात की मिकदार थी वो आप सहरी के वक़्त कर देते हैं और जो नाश्ते से वक़्त की मिकदार थी वो अफ्तार के वक़्त कर देते हैं, क्योंकि आपका खाने का पैटर्न चेंज हो जाता है, यानी ड्यूरेशन जो है वो बदल जाती है। तो इस वजह से शुगर, अगर मैं ये कह रहा था कि अगर आप शाम में वॉक करने का ख्याल आपके जहन में आ रहा है और आपकी ब्लड शुगर जो ऑलरेडी 100 या 100 से कम है, तो फिर उसमें बहुत चांसेस है कि मज़ीद कम होगी और उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ये ज़रूर एहतियात रखनी चाहिए। मैं अपने सब मरीजों को दिल के जो पेशेंट हैं और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको भी ये मशवरा देता हूँ कि अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है, आपकी सेहत को नुकसान हो रहा है तो रोज़ा आप फौरी तौर पर वक़्त से पहले भी खोल सकते हैं। सेहत को नुकसान देना मकसद ही नहीं है रोज़े का, इसी के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश शराइत दी है। वो लोगों के लिए जिनको नुकसान हो सकता है। सही। तो इसमें अगर ऐसा वक्त आ रहा है कि आपका शुगर कम हो रही है और आपको अलामत आ रही है कि ठंडा पसीना आ रहा है और थोड़ा सा गलूदगी हो रही है, इंतज़ार नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए अभी आधे घंटे में ख़राब हो जाएगा, मैं उस वक्त करता हूँ, नुकसान हो जाएगा। आप फौरी तौर पे रोज़ा खोल सकते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी गुंजाइश दी है, रियायत दी है, और उसका बाकी पूरा सिस्टम है जो उलमा आपको बता सकते हैं। सर, डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक, ये सवाल मैं इसलिए भी करूँगी कि अमूमन डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा होता है और उनको पता नहीं चल रहा होता क्योंकि उनका साइलेंट होता है, पेनलेस हो चुके होते हैं, उनको पेन होता ही नहीं है डायबिटिक पेशेंट को। मुझे थोड़े से सिम्टम्स बताएं कि डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक किस तरह होता है। देखिए, एक तो पहले जो अभी आपने वो स्टेटमेंट दी ना, उसके आम लोग सब यही कहते हैं, तो उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये खुद कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाती है। अगर साइलेंट हार्ट अटैक है तो इसका मतलब है कि उसके कोई भी अलामत नहीं होगी। दर्द ना होने को साइलेंट नहीं कहते। सही जी। अब साइलेंट का मतलब ये है कि कोई अलामत ही नहीं होगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि शुगर के मरीज़ों में ऐसा हो, बगैर शुगर के जो मरीज़ हैं उनमें भी हो सकता है कि हार्ट अटैक हुआ, पता ही नहीं चला, कुछ अरसे के बाद देखा कि दिल का कुछ फंक्शन ख़राब हो रहा है या कुछ और वजह हुई है, तो उसमें पता चला कि कुछ अरसे पहले शायद कोई हार्ट अटैक हुआ था। इसको साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन दर्द का ना होना ये एक नोन चीज़ है, बहुत सारे मरीजों में हो सकता है। दर्द होना हार्ट अटैक के लिए ज़रूरी नहीं है। क्या चीज़ें और हो सकती हैं, और हर दर्द भी सीने में हार्ट अटैक का दर्द नहीं होता, ये भी जानना चाहिए। लेकिन पसीना, एकदम प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत पसीना आ गया बैठे बैठे, इतना इंतहाई कमज़ोरी लग रही है, आप उस सांस बहुत ज़्यादा फूल रहे हैं, ये, और या मैं पहले अच्छा चल लेता था, अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो सख्त थकावट हो जाती है, ये सब अलामत हो सकती हैं हार्ट अटैक की या इंजाइना की। सही। सीने में दर्द होना इंजाइना या हार्ट अटैक के लिए लाजमी नहीं है, तो इसको साइलेंट नहीं कहेंगे, ये इसको कहते हैं चेस्ट पेन इक्विवेलेंट, यानी ये उस सीने में दर्द के बराबर की चीज़ है। यानी इस तरह सांस फूलना जो है ये नॉन चीज़ है, नॉन सिम्टम है हार्ट अटैक का। मतलब चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, या बैठे बैठे मुझे ठंडा पसीना आ रहा है, बहुत सांस फूल रहा है, घबराहट हो रही है, बहुत मुमकिन है कि ये दिल की वजह से हो, इसको फौरन चेक करा लेना चाहिए। और इस तरह की सिचुएशन में ECG जो है उसकी सबसे ज़्यादा अफादियत है। ECG से पता चल जाता है। सर, हमें थोड़ा सा डिफरेंस बताएं कि डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक और आम फर्द में डायबिटिक। ये इनसे कि मुझसे सवाल है, आपसे सवाल है। अच्छा, क्या सवाल है आपका? डायबिटिक पेशेंट में हार्ट अटैक की अलामत क्या होंगी, और एक आम फर्द अगर उसको हार्ट अटैक हो रहा है तो उसमें क्या अलामत होंगी? ये एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि एवरी डायबिटीज़ मरीज़ का जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं ना, उसमें चेस्ट पेन नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट, ज़्यादातर मरीज़ जिनमें डायबिटीज़ होता है उनमें नंबर 1 जो सिम्टम होती है वो चेस्ट पेन ही होता है। हाँ, कुछ होते हैं, मे बी अबाउट 15% 20% मरीज़ों में उनको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होती, लेकिन उनका बहुत सख्त सांस चढ़ता है उनका, और पसीने आते हैं उनको बहुत सख्त, और वो होती है मतलब माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट, नॉट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट। और जो कि दूसरी तरफ जो आप कहते हैं नॉन डायबिटिक मरीज़ों में, उनमें भी जो सबसे कॉमन है वो चेस्ट पेन है, लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फीमेल पेशेंट्स होती है ना, वही ना मेजॉरिटी चेस्ट पेन होती है, लेकिन फीमेल पेशेंट में भी कोई 10 to 15% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होती, उनमें उसी तरह उनका सख्त सांस चढ़ता है, उनको मतलब पसीने आते हैं, उनको उल्टियाँ आती हैं, तो ये। अच्छा, उल्टियाँ भी आती हैं। सर, हाँ। एक जो बड़ी कॉमन चीज़ है, लोग पेट के ऊपरी हिस्से में तेजाबियत फील कर रहे होते हैं, मतलब लोग समझते हैं कि शायद तेजाबियत हो रही है और हार्ट अटैक नहीं हो रहा, और ख़ासतौर पे जबड़े में दर्द बहुत ज़्यादा लोगों में होता है, लेकिन वो फील नहीं कर रहे होते, वो समझते हैं कि शायद कुछ और हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हार्ट अटैक नहीं हो रहा। ये हमें बताएं कि जो पेट के ऊपरी हिस्से में खासतौर पर ये बड़ा कॉमन है, लोग समझते हैं हमें तेजाबियत हो रही है, हार्ट अटैक नहीं हो रहा, तो ये भी एक सिम्टम है हार्ट अटैक की, जो में घबराहट होती है, तेजाबियत होती है। स्पेशली जो आपने कहा कि नॉट एवरी डायबिटीज़, कुछ डायबिटिक पेशेंट में जब चेस्ट पेन नहीं हो रही उनको हो रही थी, तेजाबियत हो रही होती है। बाकी जो जबड़े वाली बात की है आपने, वो जो चेस्ट पेन होता है, जो दिल की दुकान होती है, कभी कभार वो चली जाती है जबड़े में चली जाती है, कभी कभार वो चली जाती है शोल्डर्स में, कभी कभार आर्म्स में चली जाती है, तो वो भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन होती है। तो डायबिटिक मरीज़ों में भी, नॉट एवरी डायबिटीज़, कुछ में जब चेस्ट पेन, जब दुखन्नी होती है उसमें घबराहट होती है, तेजाबियत होती है, सांस चढ़ता है, उनका नौजिया होती है, ऐसा फील होता है कि उनको मतलब उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं या आती हैं या फील होता है कि आ रही होती हैं उनको। सही, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ इसमें, देखिए समझाने के लिए, देखिए ये हमारे जिस्म के निज़ाम में कुछ फ़र्क है एक तरह का, जो हमारे महसूस करने के जो है सेंसर्स लगे हुए पूरे जिस्म में, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाहर के हिस्से में स्किन में और अंदर जो हमारे अज़ा हैं बहुत फ़र्क है उनमें। तो यहाँ हमारे जब आपके सेंस कुछ ऐसा मसला होता है तो बहुत एक्यूरेट, यानी मुझे यहाँ पे तकलीफ है तो मुझे दिमाग मुझे बताता है कि यहीं तकलीफ है, यहीं कांटा चुभा है, मुझे नज़र आता है, पता चल जाता है उसका। लेकिन अगर जब मेरे अंदरूनी अज़ा हैं उनमें जब वो तकलीफ होती है तो वहाँ पे जो सेंसरी सिस्टम या सेंसर्स लगे हुए हैं वो ज़्यादा ब्रॉड एरिया में एक ही जगह, यानी ऊपर एरिया की रिप्रेजेंटेशन इतनी हर एक इतनी छोटी जगह की नहीं है, एक ब्रॉड एरिया की है। तो जो खाने की नाली है और दिल के जो सेंसरी सिस्टम है उनमें जो सेंसर लगे हुए हैं वो दिमाग में एक ही एरिया को भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं। तो जब वो दिमाग में आता है तो वो सेपरेट नहीं कर सकता कि ये तकलीफ जो है वो दिल की वजह से या जो है वो तकलीफ मेदे में होगी तो भी उसी तरह से यानी तकलीफ महसूस होगी, खासतौर पर खाने की नाली और मेदे के ऊपर वाले हिस्से में, और दिल में तकलीफ होगी तो भी उसी तरह से तकलीफ महसूस होगी। तो ये एक हम जो कोई एक तरीके का दर्द नहीं होता, उसमें एक वैरायटी ऑफ थिंग्स होती है जिसको डॉक्टर सब मिला के फिर फैसला करता है कि ये दर्द जो है वो सीने की तकलीफ या दिल की तकलीफ लगती है या नहीं लगती। लेकिन बाद हम डॉक्टर भी उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें फिर दूसरी चीज़ों की मदद लेनी पड़ती है, जिसमें ECG भी है, उसमें ब्लड टेस्ट भी है जिसमें हम एक वो मार्कर चेक करते हैं, और उसमें एकोकार्डियोग्राम भी है देखने के लिए कि हार्ट के फंक्शन में कोई मुतासर हो रहा है या नहीं हो रहा। सही। अच्छा डॉक्टर सुहेल, हमें ये बताएं कि नींद के हवाले से, रमज़ान में अमूमन नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है लोगों की, तो दिल के अमराज मुब्तला मरीज़ों के लिए नींद कितनी ज़रूरी है और उनको किस तरह अपना नींद का जो है वो ख्याल रखना चाहिए? मैं हमेशा लोगों को जो मेरे मरीज़ है ये कहता हूँ कि 35-40 साल से पहले जब आप किसी को करते हैं एडवाइस करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज करें और खाना सही खाएं आप और नींद अच्छी करें, लेकिन जब 40 साल से ऊपर हो जाते हैं तो आपकी सेहत के लिए एक प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और आपकी जब स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होती है उससे आपके जिस्म में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं, जिससे आपका वेट गेन होता है, जिससे आपका जो है शुगर का मर्ज़ ज़्यादा हो जाता है। तो ये रमज़ान में बिल्कुल सही है, आपकी पूरी की पूरी जो स्लीप साइकिल जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, और शायद ये वजह हो कि लोगों की जो होती है क्रेविंग जो होती है टूवर्ड्स मतलब पुरगन ग़िज़ाएँ खाने का, वो शायद वो स्लीप पैटर्न के डिस्टर्ब होने की वजह से हो। तो उसमें ये होता है कि आप जब, मैं कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप दिन में 24 घंटे में जो 7 से 8 घंटे स्लीप अपनी पूरी करें, बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन गया है कि आपने कर ली बदअफ्तारी कर ली और आपने जाके तरावी पढ़ ली, फिर लोग सुबह तक जागे होते हैं 5-6 बजे तक और सैरी करके नमाज़ पढ़ के फिर पूरा दिन सो जाते हैं। तो ये जो नॉर्मल ह्यूमन जो इंसान का जो नॉर्मल पैटर्न होता है कि रात को सोना है और सुबह जागना है, काम करना है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल तरावी पढ़ लें और उसके बाद अगर आप 5-6 घंटे की जो प्रॉपर स्लीप है वो आप कर लें, उसके बाद आप उठें, सहरी नमाज़ पढ़ ली, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ी बहुत वॉक कर ली। अगर आपने उसके बाद कोई 2 घंटे मज़ीद सोना है सो जाएँ, लेकिन दिन में जो आप नॉर्मल साइकिल है उसको आप डिस्टर्ब मत करें। और ये जो नॉर्मल स्लीप साइकिल है, ये अगर आपको शुगर है या शुगर नहीं है, अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ है या नहीं है, ये अगर नॉर्मल है, इन सब में एक तरह की होनी चाहिए। सही। इसमें एक 2 पॉइंट और देखें, अच्छी नींद होना ज़रूरी है। हमारी जो, अगर हम 8 घंटे भी सोते हैं तो उसमें जो हमारी एक वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है और वो उसका बहुत वक्त कम होता है, और ये बिल्कुल नॉन साइंटिफिक फैक्ट है। जब आपका पेट बहुत भरा हुआ होता है या आप बहुत मिर्च मसाले वाली और मुरग्गा चीज़ें खाते हैं तो फिर आपकी नींद अच्छी नहीं होती, उसमें आपको बेहतर या बुरे ख्वाब और इस तरह की चीज़ें, डिस्टर्ब स्लीप होती है। उस नींद का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो वक्त ज़ाया करने वाली स्लीप है। तो एक को आप रात में कोशिश करें कम खाएं। और आप ये एक हकीकत यह है जो हमारे, यानी आप अगर मेरी 8 घंटे की स्लीप है तो अब यानी अगर तरावी के बाद का जो वक्त है और सहरी से तक जो वक्त है उसमें तो वो पूरी नहीं हो सकती है, तो आपको उसको तकसीम करना होगा। तो रात में ये कम खाएं ताकि आप ज़रा बेहतर नींद सो सकें। और अच्छी नींद के लिए जो एक बहुत अहम चीज़ है वो ज़हनी सुकून है, ज़हन मुतमईन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपका जिस्म में सबसे मजबूत जो आपका ऑर्गन है वो ब्रेन है। दिमाग आपके जिस्म को ड्राइव करता है, जब दिमाग मुतमईन होता है तो आपके जिस्म की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। तो इसमें दूसरी एक जो चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली हम जैसे मुल्क है जो गर्म मुल्क हैं उनमें बहुत अच्छी एक तरीका था जो हमने मगरबी ममालिक के वजह से फॉलो करके उसको चेंज कर दिया। वो ये था कि हम दोपहर में 2 बजे तक काम करते थे, उसके बाद एक अभी भी बाहर होगा, यहाँ के लूला कहते हैं, बाहर से आस्था कहते हैं, तो जहाँ गर्म मुल्क है तो उसका वक्त होता था, वो हमने ख़त्म कर दिया। वो अभी भी रमज़ान में उसको हम वापस ला सकते हैं। आप अगर 4-5 घंटे 6 घंटे दोपहर रात में आपने अच्छी नींद कर ली, 2-3 घंटे का आप दोपहर में काम जाके कैलूला कर सकते हैं, जो गर्मी का वक्त है वो निकल सकता है। और उसके बाद फिर आप उठ के बाद में बाकी चीज़ें अपनी करें, अफ्तार की तैयारी करें, तो वो आपकी नींद के जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो पूरी हो सकती है। सही। सर, मैसेज आप देना चाहें मरीज़ों को, ख़ासतौर पर दिल के मरीज़ों को, तो रमज़ान के हवाले से क्या मैसेज देंगे? मेरा तो वैसे ये है कि आखिर रमज़ान जो है वो एक की रूह रमज़ान की क्या है उसको हमें समझना चाहिए। आपको ये सिखा रहा है कि आप अपने नफ्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। और ये इसलिए सिर्फ दिल के मरीज़ों के लिए अहम नहीं है, उन लोगों के लिए अहम है कि अपने आप को कंट्रोल करना, नफ्स को कंट्रोल करना सीखें ताकि दिल का मर्ज़ हो ही। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ का जो मैसेज है इसको सीखने की कोशिश करें कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है, उसको समझें और उसकी रूह को अपनाने की कोशिश करें। डॉक्टर सुहेल, आप कोई मैसेज देना चाहें? बस ये बात है कि जिस तरह रमज़ान इबादत का महीना, अपनी सेहत का ख्याल रखना ये भी एक इबादत है। और ऐसी बुरी आदत, फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट नोशी, अगर हम नफ्स को कंट्रोल करने के लिए 12 से 16 घंटे खाना नहीं खा सकते तो हम एक बहुत अच्छा मौका है, जो हमारी बुरी आदत हैं उनसे भी हम जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सिगरेट नोशी जो कि हार्ट डिजीज़ का नंबर 1 कॉज है, कैंसर्स का नंबर 1 कॉज है, तो उससे भी हम जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को इवेलुएट करना, अच्छी आदतों को अपना और बुरी आदतों को जो है छोड़ना। जी नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ों को हमारे जो माहरीन थे उनकी गुफ्तगू से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और हमें उम्मीद है कि रमज़ान में वो अपने रोज़े जो है वो मुनासिब तरीके से रख सकेंगे और अपनी ग़िज़ा का ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे। और वो मरीज़ जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, वो इस रमज़ान के महीने से जो है वो बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 12 से 14 घंटे जो है वो भूखा रहना पड़ता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेयार के मुताबिक आ सकता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। अगर हम बुलंद फिशारे खून के जो मरीज़ हैं उनकी बात करें, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की, तो ये एक रिसर्च भी है और एक सर्वे भी आया है जिसमें ये देखा गया था कि जो बुलंद फिशारे खून के मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर जो है वो पूरे रमज़ान जो है वो मुनासिब रहा और उन्होंने ग़िज़ा अगर अपनी मुनासिब इस्तेमाल की। एक आम फ़र्द भी रमज़ान के हवाले से अगर मुनासिब ग़िज़ा अपनी इस्तेमाल करें, ज़्यादतीस के मरीज़, दिल के अमराज़ मुब्तला मरीज़, तो वो बआसानी रोज़ा रख सकते हैं। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कौमी इदारा अमराज कल्ब का, जिनके ताबून से हमने ये प्रोग्राम किया, और नबी कासिम फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने हमें 3 प्रोग्राम जो है वो स्पॉन्सर किए रमज़ान और कार्डिक डिज़ीज़ के हवाले से। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगी नबी कासिम का, जिन्होंने ये प्रोग्राम हमारे साथ तरतीब दिए और हमें स्पॉन्सर भी किए। आखिर में अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।